आज मैं बताऊंगी मेरे एक बहुत ही फेवरेट सकुलेंट के बारे में, एलो। ये एलो एक्चुअली एलो की एक वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। एक्चुअली एलो एक इतना अच्छा प्लांट है, इतना हार्डी है कि इसके अगर आप मतलब इसके हाइब्रिड बनाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जो फ्लैट्स में रहते हैं, हम जो हमारे पास जो ओपन एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पे ना हम लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्लांट है। और ये आप देख सकते हो ड्वर्फ भी है, बहुत इजी टू केयर है, बहुत इजी टू ग्रो है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें, आप देख सकते हो जो होल्स है ना, सारे ही होल को, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग की चीज़ है कि होल को हर वक्त आपको कुछ पत्थर से, स्टोन से, मिट्टी के कुछ पार्टिकल से इसको क्लोज करना। अदरवाइज़ क्या होगा, जो सॉइल है ना, जो गार्डनिंग सॉइल है, वो उस होल को बंद कर देगा, फिर वाटर इसमें से नहीं निकल पाएगा, तो रूट रॉट होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे एक पॉट के ना बहुत सारे होल्स होना चाहिए कोई भी प्लांट के लिए, और एरेशन के लिए आप देख सकते हो इसके साइड में भी ना स्लिट्स है, ये भी बहुत अच्छा है। तो कोई कभी भी आप जो पॉट खरीदो ना, आप देख लेना कि उसमें कितने होल्स है। अगर प्लास्टिक पॉट है तो आप घर में भी उसको आप होल बना सकते हो, सील बना सकते हो, स्लिट बना सकते हो। और जो ये वाला जो प्लांट है ना, मेरा ये 3-4 साल हो गया था आई थिंक, और ये मैं आई थिंक ऑनलाइन से ख़रीदी थी। ये रेड हो जाता है बिल्कुल, जैसे अगर इसको धूप मिले ना, बिल्कुल इसके जो टीथ है ना वो सारे रेड हो जाते हैं, और इसमें डस्ट बहुत सारे हो गए, तो इसके कलर अभी प्रॉपरली नहीं समझ आ रहा। और एक मदर प्लांट से आप देखो 3-4 इसके पफ्स निकले हुए हैं, और इसको अभी आप मैं सेपरेट करके अलग अलग पॉट में लगा दूंगी। तो एक एक प्लांट से मुझे 3 एक्स्ट्रा प्लांट्स मिल गए, तो ऐसे ही इसका प्रोपगेशन भी मतलब इजीली हो जाता है। मींस इसके मेन प्लांट से ही प्रोपगेशन मतलब पफ्स होते हैं, तो आप उसको धीरे से सेपरेट कर लो और फिर आप सॉइल में लगा दो, तो आपका एक प्लांट नया ग्रो हो गया। और इसके लीव से ग्रो होता है या नहीं मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैंने इसके ना एक दो लीव्स को भी और सॉइल में रखा है, अगर ग्रो करेगा तो ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये देख सकते हो रूट्स भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं, आपको भी सेपरेट करने का टाइम आ चुका है, तो ये सारे अभी अलग अलग कर दूंगी और इसको पहले सेपरेट कर लूंगी। और ये मदर प्लांट देखो आप कितना बड़ा हो चुका था, इसका रूट काफ़ी नीचे तक चला गया था, और ये एक छोटा सा पाप है, मैंने सोचा था इसको भी मदर प्लांट के साथ रख देती हूँ, बट ये स्टेम इतना लंबा हो चुका है ना, इसको भी मुझे सेपरेट करके ही लगाना पड़ेगा। और एलोवेरा को जो एलो प्लांट्स जो है, ये बिल्कुल ही एलोवेरा जैसा ही है, बहुत इजी टू केयर है। बाकी सिर्फ इसमें ना इसको सॉइल में के भी मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई स्पेशल सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो ग्रो कर रही हूँ 3-4 साल से, मैं देख रही हूँ ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको ना इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, उस हिसाब से आप प्लेस करना इसको। और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पॉट साइज़। कोई भी प्लांट के लिए, नॉट ओनली फॉर द एलो, कोई भी प्लांट आप जब भी ग्रो करो ना, पॉट साइज़ प्लांट के साइज़ के हिसाब से लेना। प्लांट के साइज़ अगर जैसा है उससे 5-10% इंक्रीज़ करके आप पॉट साइज़ लेना। आप रूट बॉल के साइज़ देख सकते हो, या आप उसके प्लांट के जो क्राउन है उसके डायमीटर देख के उस हिसाब से आप प्लांट के जो पॉट है वो लेना। पॉट में ना एक तो है कि होल्स रहना बहुत ज़रूरी है, साइड में आप स्लिट्स कर सकते हो जिससे एरेशन बहुत अच्छा, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। उसके बाद जो है कि अगर आप छोटा बड़ा पॉट ज़्यादा लो, प्लांट से बड़ा हो जाए, तो उसमें एक तो वेस्टेज ऑफ सॉइल है, कंपोस्ट है, कोई भी मतलब मटेरियल उसका तो वेस्टेज है ही, साथ में वाटरिंग पानी वेस्टेज तो है, साथ में आपको आपका प्लांट को भी ख़राब कर सकता है। ऐसे आप ना ऐसे मैं स्लिट भी बना लेती हूँ, देखो अगर आप प्लास्टिक पॉट लो ना बहुत इजीली स्लिट बन जाता है। मेरा तो मस्ट है कि नीचे जो स्टोन्स है वो देना है, और प्लास्टिक पॉट हो तो उसको स्लिट कर लेना, स्लिट करना बहुत ही ईजी है, तो आप कर सकते हो इसको। और इसके बाद जो है पॉट साइज जो बोल रही थी, जैसे पानी
पानी अगर मान लो आपका पॉट बड़ा है, प्लांट बहुत छोटा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का उसको तो अमाउंट बहुत कम चाहिए, बट आपका पूरा वाटर पानी डाल के अपने पूरे पॉट के जो सॉयल है उसको बिल्कुल ही आप गीला कर चुके हो, और उसका अपर लेयर तो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, अंदर का जो सॉयल है वो तब भी मॉइस्चर रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर से फिर पानी डालोगे तो इससे क्या होगा ना, उसके रूट को रूट रॉटिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ना पॉट साइज़ भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोइंग के लिए। स्पेसिफिकली हम जो पॉट में कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, जो इंडोर प्लांट्स रखते हैं ना, क्योंकि इनमें नेचर में नहीं रहते ये लोग, इनको प्रॉपर एरेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, और ओपन स्काई नहीं मिल रहे, तो इनको थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ता है, बट कुछ चीज़ अगर आप ध्यान में रखो ना, ये बहुत ईजी टू केयर है, इसको आप कोई भी सॉयल में ग्रो कर सकते हो। और मैं कोई भी सकुलेंट को बॉटम सोकिंग ही करती हूँ, यहाँ पे बॉटम सोकिंग अगर ना करती फिर भी चलता, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके लीव्स काफ़ी बड़े हैं और स्टेम काफ़ी ऊपर, मतलब लीव काफ़ी ऊपर से आ रहा है, तो इसमें बॉटम सोकिंग ना करता फिर भी चलता, बट जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो पफ्स है, वो ज़रूर आपको बॉटम सोकिंग करना चाहिए। इवन जो स्नेक प्लांट है ना, उसको भी अगर आप वाटर पोरिंग करके अगर उसके क्राउन या उसके जो एंगल्स बिटवीन स्टेम एंड लीफ जो बनता है, अगर उसमें पानी लग जाए ना बाय चांस, तो ये तुरंत ही इसके रॉटनिंग शुरू हो जाता है, क्राउन रॉट, लीफ रॉट, रूट रॉट, कुछ भी हो सकता है। और सॉयल बेसिकली सैंडी पोरस सॉयल बनाना चाहिए। इसमें ना मैंने पारलाइट है, और इसमें मैंने पारलाइट डाला है, गार्डन सॉयल है एंड कंपोस्ट है और सैंड है। मैं उसके प्रोपोर्शन आपको प्रॉपर स्क्रीन जो वो करूँगी ना, तब मैं इसमें डाल दूँगी स्क्रीन में एडिटिंग के टाइम पे। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इसको रिपॉटिंग कर रहे हो तो उसके लीव्स ज़रूर सॉइल से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो नीचे आप स्टोन्स दे दो कि जैसे लीफ एंड सॉइल के बीच में स्टोन रहे, डायरेक्ट पानी उसमें ना लगे। नहीं तो अभी ये बिल्कुल ही छोटा है ना, तो इसको रूट स्टेम या लीफ रॉटिंग के चांस रहते हैं। और ओपन एरिया में मत रखना, तो पानी गिर के जैसे बारिश से इसके ख़राब हो सकता है, रॉटिंग हो सकता है, ऐसे मेरे बहुत सकुलेंट को हो चुका है। और इसको डायरेक्ट और ब्राइट लाइट पसंद है, बट इसको आप दोपहर के ब्राइट लाइट बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देना, तो सनबर्न जैसे लिप बर्न हो सकता है। अदरवाइज़ वाटरिंग तो मैं ट्वाइस मंथली ट्वाइस करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, आप कहाँ पे रहते हो, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसे है, आपने सॉइल कैसा बनाया, कितना पोरस है, और क्या आपका वेंटिलेशन या पॉट कितना अच्छा है, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी कैसे दोगे। अगर बिगिनर्स हो, बेटर है कि आप पोर योर फिंगर इन द सॉइल, आपको पता चल जाएगा कि वो ड्राई हो चुका है, 2-3 इंच अगर ड्राई है तो आप बॉटम सोकिंग कर लो, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक इसमें ना पेस्टिसाइड देखा, ना फंगीसाइड, कुछ भी नहीं मुझे यूज़ करना पड़ा। बट मैं ना कभी कभी नीम ऑयल स्प्रे कर देती हूँ, वो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ ऐसे भी एलोवेरा एलो में कोई इतना पेस्ट और इंसेक्ट अटैक तो नहीं होता आई थिंक, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत इजी टू केयर है, कोई भी इसको ग्रो कर सकता है। बेस्ट है कि ये इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये मेरे साउथ फेसिंग शेडेड कवर्ड एरिया में रहता है, आफ्टरनून के ब्राइट सनलाइट मिलती है बट डायरेक्ट नहीं है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो मतलब इसलिए आप देख सकते हो 3 साल में आई थिंक मुझे इतने 3 एक्स्ट्रा प्लांट मिल गए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मतलब जो विंटर में ना, इसको मुझे लगता है मंथली वंस अगर पानी दो फिर भी चलेगा, और फर्टिलाइज तो मैं बहुत कम करती हूँ, महीने में ग्रोइंग सीजन में एक बार जो मैं घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उससे ही मैं इसको फर्टिलाइज करती हूँ। अगर ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो ग्रोइंग सीज़न में मंथली वंस लिक्विड फर्टिलाइजर से आप फर्टिलाइज कर दो। मैं जो करती हूँ मैं वही बता रही हूँ, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई सुंदर सा पॉट में इसको रखो, डेकोरेट करो, तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।